एवरीवन, मैं हूं प्रति और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रांस टैरो 369 में। सो गाइस, आज हम फिर से करने वाले हैं एक करंट फीलिंग्स का रीडिंग। देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पर्सन हैं वो करंटली कैसा फील कर रहे हैं और किस तरह के सिचुएशन में वो हैं। ओके गाइस, एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। आप जब भी इसे देखेंगे इससे कुछ मैसेजेस आपको मिल जाएंगे। ओके क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, सारे साइंस और सारे एलिमेंट्स के लिए है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे फुली रेजोनेट करे। ये भी हो सकता है कि आपसे पार्शली रेजोनेट करे और ये भी हो सकता है कि आपसे बिल्कुल भी रेजोनेट ना करें। सो कोई भी ऐसे मैसेजेस जो आपको लगता है आपकी सिचुएशन पर फिट नहीं होते हैं, मैच नहीं होते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती अपने पर इम्पोज नहीं करना है। ओके ऑलराइट, चलिए गाइस करते हैं रीडिंग को शुरू। ओके माय गाइड, माय गॉड, माय एंजल्स, स्पिरिट डिवाइनली गाइड करें और बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के करंट सिचुएशन क्या है। यूनिवर्स प्लीज डिवाइनली गाइड करें और बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के करंट सिचुएशन क्या है, करंट फीलिंग्स उनके क्या है। ओके गाइस, कई लोगों के केस में यहाँ पर जो है, अगर आपके पार्टनर आपसे नो कांटेक्ट में हैं तो वो वहाँ पर ऑलरेडी जिनके साथ हैं, अगर वो किसी के साथ हैं तो उन्होंने उनको वहाँ पर थर्ड पार्टी में डाल दिया है, ऐसा हमारे पास यहाँ पर कार्ड निकल कर आया है। ओके देखते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एरीज लियो सेज टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके ठीक है गाइस। ओके ऑलराइट, चलिए। सो गाइस, यहाँ पर ऐसा क्लियर फील मिलता है कि आपके पार्टनर जहाँ भी जिस भी सिचुएशन में है वहाँ पर उनको किसी ने वहाँ पर जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है। ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल के लिए रीडिंग जो है वो निकल कर आई है, ऐसा यहाँ पर महसूस होता है। ओके ओके सो यहाँ पर जो है गाइज एक क्लियर फील मिलता है। देखिए थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, सो यहाँ पर किसी ने किसी को यहाँ पर थर्ड पार्टी में डाला है और ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पर थर्ड पार्टी में डाला हुआ है। यहाँ पर इन दोनों को पता भी चल चुका है कि एक दूसरे को इन्होंने यहाँ पर थर्ड पार्टी में डाला है। ये जो पहले इस रिलेशन में या इस सिचुएशन में अपने आप को बहुत ईजी फील कर रहे थे, एक दूसरे के साथ ये बहुत कंफर्टेबल कंपेटेबल फील कर रहे थे, तो अब ये ऐसा नहीं फील कर रहे हैं। इस रिश्ते में ये यहाँ पर मेकअप नहीं ब्रेकअप करने के बारे में सोच रहे हैं और इस रिलेशन में ये यहाँ पर या इस सिचुएशन में जहाँ पर भी आपके पार्टनर हैं वहाँ पर ये जो हैं बिल्कुल भी खुश नुमा मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी फील मिलता है कि इन्होंने जिनके जिस भी सिचुएशन में या जिस पर्सन के साथ ये हैं इन्होंने इनके बारे में बहुत कुछ अच्छा सोचा होगा कि इनके साथ ये बहुत सिक्योर हैं, हैप्पी हैं, पर यहाँ पर जो चीज़ें हैं सब इनके साथ में उल्टा हो चुका है। सो ये सिचुएशन जो है आपके पार्टनर का है, अगर आप नो कॉन्टेक्ट में हैं, लेस कॉन्टेक्ट में हैं, यहाँ पर ऐसा फीलिंग मिलता है। इन दोनों का जो रिलेशन है बहुत ही ज़्यादा रफ पैच से गुजर रहा है और ये जो है चीज़ों को बहुत ज़्यादा चैलेंज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो चैलेंजेस हैं इनके सिचुएशन में, वो चैलेंजेस ये यहाँ पर मुझे फेस करते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। ओके कुछ लोगों के केस में मुझे यहाँ पर ये भी महसूस हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो पहले से किसी रिलेशन में थे और अब आप उनकी लाइफ में एंटर हो गए हैं, तो जिस रिलेशन में वो थे वहाँ पर उनके जो पार्टनर हैं उनको पता चल चुका है कि आप और वो जो हैं एक रिलेशन में हैं और इस वजह से आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे कॉर्ड्स कट करने के बारे में सोच रहे हैं और वो ये भी सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो रहा है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर को जो उनकी लाइफ में पहले से थे, आपके आने से पहले से थे,
उनके रहते हुए भी आपसे उन्होंने रिश्ता रखा है, और अब जो है उनके पहले वाले पार्टनर से उनके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे हैं क्योंकि आप उनकी लाइफ में हैं। तो कई लोगों के लिए गाइज ये थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग मैसेज है, लेकिन यस आपके जो पार्टनर हैं वो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, बहुत छोटा सा सेट ऑफ पीपल के लिए मैसेज है यहाँ पर कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे अपने कॉर्ड्स कट करने के बारे में सोच रहे हैं, और ये हो सकता है कि आप वो आपको कभी कांटेक्ट ना करें या फिर वो हमेशा के लिए आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा भी फीलिंग मुझे मिलता है। कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं यहाँ पर देखिए वो अपने सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, वो फिर भी चाहते हैं कि सिचुएशन में बैलेंस बने, और बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर वो जगल करते हुए नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गार्ड कर रहे हैं और चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी, क्लियर थर्ड पार्टी का यहाँ पर पूरा सीन निकल कर आ गया है गाइस। तो यहाँ पर जो मेजर चंक है लोगों का वो यहाँ पर यही बताता है कि जो आपके पार्टनर हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन का यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो सिचुएशन है वो मुझे लग रहा है। इस पूरे सिचुएशन में आपके पार्टनर मुझे बहुत ही ज़्यादा पजल्ड नज़र आते हैं, उनको लगता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखिए मैजिशियन का कार्ड हमारे पास निकल कर आया है, सोच रहे हैं सब कुछ ठीक हो जाए। बहुत ज़्यादा इनके साथ में ब्लेम गेम्स हो रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी पॉसिबल है कि लोग इनके बारे में बातें भी करने लगे हैं कि इनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। यहाँ पर भी हमारे पास स्पॉट्स की एनर्जी मिलती है गाइस, और यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आप ब्लेम गेम के साथ में इनके साथ में जो इनके पार्टनर हैं वो इनके बारे में कहीं कुछ बातें लोगों को बोलते होंगे, या फिर इनके फैमिली में और फ्रेंड्स में इनके बारे में कहीं कुछ ऐसी गलत चीज़ें हैं, रूमर्स हैं जो इनके करंट पार्टनर हैं या जिस करंट सिचुएशन में ये आपके पार्टनर हैं वहाँ पर इनके साथ में ऐसा सब कुछ होता हुआ मुझे नज़र आता है। कुछ लोगों के केस में यहाँ पर गाइज एक डिसलॉयल्टी की भी मुझे फीलिंग मिलती है। अपेरेंटली यहाँ पर देखिए एक कोई इनकी लाइफ में कोई इंसान ऐसा है जो इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बहुत यहाँ पर डोमिनेट करने की इनको कोशिश करता है, जो चीज़ें इनको जो है बिल्कुल भी हैप्पी नहीं कर रही हैं। ओके, ये जो है बिल्कुल भी हैप्पी नहीं फील कर पा रहे हैं इस सिचुएशन में। तो चलिए गाइज कुछ और कार्ड ले लेते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है। सो यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें और बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के करंट सिचुएशन क्या हैं। ओके, चलिए देखते हैं और जानने की कोशिश करेंगे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के करंट सिचुएशन क्या है यूनिवर्स, और करंट फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें यूनिवर्स और बताएं कि मेरे व्यूअर्स जो हैं उनके पार्टनर के करंट सिचुएशन क्या है यूनिवर्स। ऑलराइट, ठीक है, प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें यूनिवर्स स्पिरिट, प्लीज़ हमें कुछ कार्ड दे दीजिए। देखिए अपने आप में बहुत ज़्यादा यहाँ पर करज इकट्ठा करते हुए दिखते हैं, ऐसा लगता है कि कोई इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और ये यहाँ पर जो है अपने आप में करेज लाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। चीज़ें जैसी हैं वैसी नहीं हैं, और यहाँ पर देखिए गाइस यहाँ पर कुछ एंडिंग का मुझे जिस सिचुएशन में जिस भी परिस्थिति में आपके पर्सन हैं यहाँ पर कुछ मुझे एंडिंग का फील मिलता है, कुछ यहाँ पर ख़त्म होने वाला है गाइस। कुछ इनके ड्रीम्स हैं, कुछ इनके सपने हैं जो इनको पूरे करने हैं, लेकिन आपके सपने आपको खुद ही पूरे करने होते हैं, कोई और आकर उनको आपके लिए पूरा नहीं करता है। यहाँ पर चीज़ें इनको दिखाई कुछ और जा रही हैं, जो चीज़ें कुछ और ही हैं। तो यहाँ पर इनको सेल्फ रियलाइजेशन होगा या बहुत जल्दी होने वाला है या ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पर ऐसा फील मिलता है। ये दो तीन कार्ड्स हैं गाइज इसलिए इनको नहीं लेंगे। ओके ओके, कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं। यहाँ पर एक डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पर हमारे पास कार्ड निकल कर आया है गाइस, थोड़ा इनको वेट करना पड़ेगा। थिंग्स आर राउंड द कॉर्नर फॉर योर पार्टनर गाइस, यहाँ पर चीज़ें बस होने ही वाली हैं, इनको थोड़ा और करज लाने की ज़रूरत है। जो चीज़ें जैसी हैं वैसी ये देख नहीं पा रहे हैं, इनको दिखाया कुछ और जा रहा है जिस सिचुएशन में ये हैं, और इनके साथ चीज़ें कुछ और हैं यहाँ पर। ओके,
ठीक है गाइज, हमारे पास यहाँ पर दो कार्ड्स आ चुके हैं, ओके। सो एंड वन कार्ड इज़ ट्रांसफॉर्मेशन हियर एंड अदर वन इज़ क्रिएटिविटी, ओके। सो गाइज देखिए, यहाँ पर इनको एक सेल्फ अवेयरनेस आती हुई मुझे दिखती है। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर बहुत मेजर रोल जो है प्ले कर रहा है। यहाँ पर इनका एक ट्रांसफॉर्मेशन से ये गुजरने वाले हैं, या तो फिर ये गुजर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ों में इनको ब्लैक एंड वाइट जो है सिचुएशन वो नज़र आ रही है या तो फिर आने वाली है। यहाँ पर गाइस बहुत सारे डिसेप्शन की भी मुझे फीलिंग मिलती है। एक कोई एक इंसान या कुछ कुछ सेट ऑफ पीपल के लिए यहाँ पर ये जो दोनों ही हैं एक दूसरे के साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं जो एक दूसरे से छुपा रहे हैं, और एक दूसरे के साथ ये यहाँ पर मुझे लॉयल नज़र नहीं आते हैं। विद दिस परसेप्शन कार्ड अगर आप इसको क्लोजली देखें तो देखिए यहाँ पर चीज़ें दो फेस आपको दोनों के दिखाई देंगे, ओके। तो यहाँ पर दिखाया कुछ और जा रहा है और असलियत यहाँ पर कुछ और है। सो यहाँ पर एक जो डिवाइन टाइमिंग है वो एक बहुत मेजर रोल जो है यहाँ पर प्ले करता हुआ मुझे दिखाई देता है। विद दिस क्रिएटिविटी यहाँ पर मुझे ऐसे समझ में आता है कि इनको जो है खुद से टर्न इन होने की बहुत ज़रूरत है। हमारे पास यहाँ पर टर्न इन का कार्ड भी आ चुका है गाइज। यहाँ पर ये जो है इनको खुद से चीज़ें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, खुद एक डिसीजन पे आने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा पोस्टपोनमेंट की फीलिंग नज़र आती है। विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर मुझे ऐसा फील मिलता है इस पूरी रीडिंग में कि यहाँ पर जो आपके पार्टनर हैं बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको दिल में, उनके बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ की है, जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में सही डिसीजंस लिए हैं, जो गलत डिसीजंस लिए हैं, कुछ गलत लोगों पर उन्होंने विश्वास किया है। यहाँ पर जो है बहुत सारा ऐसा फील मिलता है, यहाँ पर वो अपने ओल्ड पैटर्न्स को छोड़ना चाहते हैं ऐसा भी मुझे फील मिलता है। जो इनके प्रीवियस रिलेशनशिप में इन्होंने जो भी गलतियाँ की है, जिन वजहों से ये एक बहुत ही निगेटिव सिचुएशन में पड़ गए हैं, वो सिचुएशन से ये बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में अगर ये अभी नहीं आए हैं तो ये बहुत जल्दी जो है ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में आने वाले हैं। यहाँ पर गाइस लोग क्या बोलेंगे इस बारे में ये नहीं सोचेंगे, अब ये सोचेंगे कि ये इनको क्या चीज़ ऐसी है जिसमें ये खुश रहते हैं या खुश रह सकते हैं। तो काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आपके जो पार्टनर हैं मुझे यहाँ से बाहर निकलते हुए हैं जो नज़र आते हैं गाइस, ओके। तो देखते हैं गाइस कि अगर आपके पार्टनर यहाँ से बाहर निकलने का सोच रहे हैं तो वो कब तक यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, ओके। मेरे कई सारे जो व्यूअर्स हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजते हैं नीचे कि आप ये बता देती हैं हमेशा कि ये निकलने वाले हैं, पर आप कभी कोई टाइम फ्रेम नहीं देती कि ये कब तक निकलने वाले हैं। सो गाइज चलिए मैं आज आपके लिए निकाल देती हूँ कि आपके पार्टनर के इस सिचुएशन से बाहर निकलने के क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो देखिए गाइज हम ये रीडिंग डेली करते हैं, ओके, करंट फीलिंग्स की, और ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, इसलिए मैं ये प्रेफर नहीं करती कि यहाँ पर मैं आपको कोई टाइम फ्रेम दूँ, क्योंकि टाइम फ्रेम देने से आपको एक उम्मीद बंध जाती है। कई लोगों के केस में कैसा होता है कि आपको लगता है टैरो रीडिंग देखकर कि अच्छा ये हमारी ही रीडिंग है, लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, ओके। चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं, फिर कई लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं आपने आज रीडिंग में ये बताया था आपने, लेकिन ये मुझसे मैच नहीं हुआ। ये आपसे मैच इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, और मैं रीडिंग में पहले ही आपको कहती हूँ कि देखिए ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। चीज़ें आपसे रेजोनेट कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती हैं, ओके। तो चलिए आज मैं अपने व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पर आपको एक टाइमलाइन देती हूँ कि इस टाइम तक आपके जो पार्टनर हैं ये इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे या ना करे। सो यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें और बताएं कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो इस सिचुएशन से कब तक बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर जो डिवाइन टाइमिंग का हमारे पास कार्ड निकल कर आया है, सो ये डिवाइन टाइमिंग कब तक के लिए हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें यूनिवर्स, ओके। ऑलराइट गाइस, हियर वी गॉट द कंफर्मेशन। देखिए हमारे पास यहाँ पर जो है डिवाइन टाइमिंग का हमारे पास कार्ड आया था गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिवाइन टाइमिंग, ओके। दिस इज़ नंबर 9,
और अभी जो हमने यहाँ पर निकाला है दैट्स ऑल्सो नंबर 9. सो यहाँ पर गाइज ऐसा फील मिलता है 9 weeks और 9 months, और कई लोगों के केस में ये 99 days भी हो सकता है. ओके सो गाइज यहाँ पर 99 days, 9 weeks से 9 months के बीच में यहाँ पर जो है आपके पार्टनर के आने की संभावना मिलती है. ठीक है सो गाइज यही थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग. अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए बाय बाय.